हेलो माय व्यूअर्स, आज देखिए थोड़ा सा धूप निकला है तो मैं थोड़ा सा बैल्कनी में आ गई और पौधे को थोड़ा सा देख रही हूँ। ये जो पौधा है इसको मैं काट के छोटा कर दिया, ये बहुत बड़ा था। इस मौसम में मेरा तुलसी का पत्ता कितनी अच्छी तरह से खिल गया है, पहले पहले कितने मुरझाए हुए रहते थे, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा छोटा पेड़ पौधे का देख रेख मैं ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने का। एक्चुअली मेरा इंडोर प्लांट सब बाहर है। अभी मैं किचन में आ गई, चाट बनाऊँगी। अभी 3 बजे मेरी बेटी को थोड़ा सा चाट वगैरह सब देती हूँ। ये प्याज कटा हुआ है, हरी मिर्च और खीरा कटा हुआ है। अभी मेरे जो हेल्पिंग हैंड है वो काट के रख के गया है, और भीगा छोला और इसके साथ और 2-4 चीज़ है। ये मैं अगले दिन रात को भिगा के रखती हूँ, और ये हफ्ते में 2-3 बार मेरी बेटी को देती हूँ और हम सब लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन रहता है। तो मैं चाट के हिसाब से उसको बना के देती हूँ, वो खाना भी पसंद करती है। तो इससे 2 काम हो जाता है, उसके शरीर में विटामिन भी आ जाता है और चाट भी इसको मिल जाता है। काला नमक इसको डाल दूंगी, बस इसको ये अच्छी तरह से कर दूंगी, मिला दूंगी अच्छी तरह से मिला के उसको दे देती हूँ। उसको और नमक चाहिए तो बाद में ले लेगी, मैं इसको भी उसके बाद में रख देती हूँ। चाट ज़्यादातर मैं 3-3.5 बजे इसको देती हूँ, क्योंकि लंच के बाद थोड़ा सा टाइम गैप रख के इसको देती हूँ मैं। अब मैं ये लेके उसको दे देती हूँ, उसको नमक की ज़रूरत है तो ले लेगी। फिर बारिश शुरू हुआ है, देखिए बहुत बारिश हो रहा है। सुबह मोटा मोटी धूप था, अभी बारिश शुरू हो गया है। मैं मेरा हल्का हल्का कपड़ा सूख गया था वो मैं अंदर उठा के रख दिया, और बाहर जो है वो यहाँ पे रख दिया मैंने, कुछ जो ज़्यादा भीगा हुआ था। और उधर बारिश हो रहा है तो मैं देख के आती हूँ वहाँ पे कैसे हालत है। मेरे जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, और मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो फ़ोन पे बहुत सारे वीडियो था वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, गायब हो चुका है। तो मैं जो क्लिपिंग्स लेके रखी थी वो सब गायब है, मैं देखती हूँ कहाँ पे है, ये नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर किया आज। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू।